લેકમે ફેશન વીકના ડિઝાઇનર અનુજ શર્મા આજરોજ સુરત શહેરના ફેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વિઝિટ કરી હતી, તેમજ તેમણે ક્રિએટ કરેલી બટન મસાલા કોન્સેપ્ટ ફેશન ડિઝાઇનરના સ્ટુડન્ટને શીખવી હતી. આજનો વર્કશોપ છે, અનુજ શર્મા આવ્યા છે ડિઝાઇનર, એમની જે બટન મસાલા ટેકનિક છે એ શીખવાડવા માટે. અને એની જે બટન મસાલા ટેકનિક છે એકદમ સુપર્બ છે. લાઈક જે ફેબ્રિક હોય છે તો એ ગમે બી કોઈ થીન બોડી હોય યા થોડીક ફેટ બોડી હોય તો બંનેમાં એડજસ્ટેબલ થઈ જાય છે, એ ટાઈપની એની ટેકનિક્સ છે. તો એ જે ફેબ્રિક હોય એની અંદર એક બટન યા કોઈ એ ટાઈપનું લઈને પછી એ ફેબ્રિકમાં મૂકીને પછી એને રબર બેન્ડથી વીંટાળવામાં આવે છે, એ ટાઈપની જે ટેકનિક છે. આ ટેકનિક 1.5 hours શીખી શકાય છે, કોઈ બી શીખી શકે છે આ ટેકનિક. એવું નથી કે એઝ અ સ્ટુડન્ટ જ શીખી શકે છે કોઈ વ્યક્તિ. તમે એની પર રિસર્ચ કેટલો સમયથી કરી રહ્યા છો? અમે મીન્સ કે આ ટેકનિક્સ ઉપર છે એકચ્યુઅલી. હમણાં જ્યારે આ સર આવ્યા છે સમજાવવા તો અમે હમણાં થોડાક સમય પહેલાં તે એ વિશે જાણેલું થોડું ઘણું. એમનું ઇન્સ્ટા પર એમની બધી લાઈક ઇમેજીસ બી છે તો એના પર અમે સર્ચ કરેલું એ રીતે, ત્યારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે આ ટાઈપની ટેકનિક્સ છે. સો અમે આ સરથી ઘણા ઇન્સ્પાયર્ડ છીએ તો અમે ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક વેઇટ કરીએ છીએ આ ટેકનિક શીખવા માટે. અને આજના વર્કશોપમાં એ સર શીખવાડવાના છે આ ટેકનિક્સ. સો વી આર વેરી એક્સાઇટેડ for learning this technique. इसको सूरत में स्टार्ट हुए 3 साल हो गए हैं. हमारे एट प्रेजेंट 2 ब्रांचेज हैं, एक अठवा लाइन्स पे और एक वराछा में है. आज क्या हुआ इसे? आज बेसिकली हमने अपने फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक डिज़ाइनर को इनवाइट किया था अपने इंस्टीट्यूट में. उनका नेम है मिस्टर अनुज शर्मा और लैकमे फैशन वीक के डिज़ाइनर हैं, काफ़ी फेमस हैं. उनका एक लेटेस्ट बटन मसाला कॉन्सेप्ट है जो कि हम चाहते थे कि स्टूडेंट्स को समझ में आए, जिसके थ्रू विदाउट स्टिचिंग सिर्फ ड्रेपिंग्स के थ्रू हम ड्रेसेस बना सकते हैं. वो पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है. आज कितने स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में? अभी दोनों ब्रांचेस को मिला के देखें तो हमारे पास 250 स्टूडेंट्स हैं जो कि फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पढ़ रहे हैं. हाँ, फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो आपको लगता है कि सूरत में से कोई बड़ा फैशन डिज़ाइनर निकल सकते हैं? सूरत जैसी सिटी में डिज़ाइनिंग का बहुत स्कोप है बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं. बट फिर भी आज भी जो भी नीड है डिज़ाइनर्स की वो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि डिज़ाइनिंग तो बच्चे कर रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही है. इसीलिए हमने एक ऐसे प्रोफेशनल डिज़ाइनर को हायर किया, अपने यहाँ बुलाया अपने उनके, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल नॉलेज वो स्टूडेंट्स को दे सकते हैं वो शायद हम लोग नहीं शेयर कर पाते हैं. स्टूडेंट्स के जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस तरह की ट्रेनिंग है? इसमें हम लोग क्लासरूम लेक्चर्स भी लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, फैक्ट्री विजिट्स भी दी जाती हैं, सर्वेस भी कराया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क भी है, लैकमे फैशन वीक विजिट्स कराते हैं. तो मतलब मेन चीज़ क्या है कि फैशन डिज़ाइन एक प्रॉपर डिज़ाइनर बनने के लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो सब कुछ हम लोग कराते हैं. जो युवा वर्ग है जो फैशन डिज़ाइनर में अपना भविष्य देख रहे हैं उन लोगों के क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के लिए मैं बोलती हूँ अगर जो लोग सूरत में हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है डिज़ाइनिंग का, क्योंकि सूरत में डिज़ाइनिंग पढ़ने के बाद उनके लिए नेक्स्ट टारगेट मुंबई है बिकॉज मुंबई इज़ ऑल्सो अ बिग फैशन इंडस्ट्री. तो सूरत के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, वो डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं, दे अर्न वेल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है साथ में मुंबई भी है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर देम. ડિઝાઇનર અનુજ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ અમદાવાદથી સુરત તેમની નવી કોન્સેપ્ટ વિદ્યાર્થીઓને શીખવવા માટે આવ્યા છે. બટન મસાલા કોન્સેપ્ટની ખાસિયત વિશે તેમણે જણાવ્યું હતું કે તે સિલાઈ મશીન કરતાં સારી અને ફાસ્ટ સિસ્ટમ છે, તે જલ્દીથી શીખી શકાય છે અને વગર સિલાઈ મશીનથી અને ડ્રેપિંગ દ્વારા બનાવી શકાય છે. કાપડને કટ નથી કરવું પડતું, તેમજ તે પહેરવામાં પણ સરસ લાગે છે. તો પ્લાન એ કે ઇનકો એક ટેકનિક હે બટન મસાલા મેરી જો बिना सिलाई के कैसे कपड़े बनाते हैं वो सिखाने का है. तो इन सबको बड़ी आसान सी तकनीक है जो अभी जो सिलाई जो होती है उसकी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी और सस्ती और फास्ट और सुंदर टेक्निक है और बहुत जल्दी से सीखी जा सकती है. तो उन सब उस टेक्निक को सिखाने के लिए और डिज़ाइन के बारे में थोड़ी 2-4 और चीज़ें जो समझ में आती है उसका ज्ञान बांटने आए. अभी तक तो ठीक ही लग रहा, देखिए इतने सारे लोग इतने आंखें ऐसे करके देख रहे हैं ऐसे खोल के, तो अच्छा ही है. फिलहाल तो मोहब्बत भरी सिटी लग रही है, बाकी शाम तक पता लग जाएगा क्या हो रहा है. अच्छा, कितना टाइम में ये स्टूडेंट्स सीख जाते हैं? जनरली 1-1.5 घंटे के अंदर सीख जाएंगे. ये टेक्निक ऐसी है कि आप भी 2 घंटे में सीख जाएंगे. अच्छा,
खासियत यही है कि बिना सिलाई मशीन के होता है और कोई सिलाई नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जैसे टाई एंड डाई जिसे बोलते हैं, टाई एंड डाई मालूम है, वैसे धागे की जगह टाई एंड डाई की जगह रबर बैंड से अगर करें तो ऐसे एक कंस्ट्रक्शन की टेक्निक है जो मैंने ही निकाली है, बटन मसाला नाम है उसका। तो वो टेक्निक से उसमें क्या है कि वक्त बहुत कम लगता है, कपड़ा काटना नहीं पड़ता, बिना कटिंग के ही हो जाता है, एक ही साइज़ सबके फिट आ जाती है, उसी साइज़ को आप खोल के कभी भी उस गारमेंट को खोल के कुछ और बना सकते हैं, तो आपका कपड़ा भी बच जाता है, वेस्टेज भी नहीं है, रिवर्सिबल भी है, एक ही साइज़ सबके फिट आ जाती है, तो सस्टेनेबल हो गया, बहुत ग्रीन हो गया, और कोई भी सीख सकता है, अंधा भी सीख सकता है। बैठने में उठने से निकल नहीं जाता? नहीं नहीं कुछ नहीं, धोने बैठने किसी चीज़ में। अभी सूरत में कहाँ ऐसा है? सूरत में नहीं, हम सूरत में तो कोई गारमेंट हम बेचते नहीं यहाँ पे, जनरली तो फैशन से चालू किया था, तो अभी कुछ साल तो एक्सपेरिमेंट और जो महंगी महंगी जगहों पे बेचने में लगाया है, बट कहाँ दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर गोवा ऐसे सब शहरों में बेचे हमने। तो फैशन शो जो होटल उसके अंदर ही आ गए? हाँ वो तो हो चुका है, लैक्मे से ही चालू हो गया था, उसके बाद में लैक्मे करने जब लाख ये कलेक्शन बनाया तो समझ में आया कि अभी फैशन शो से ज़्यादा इस पर रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टेक्निक के ऊपर बहुत सारा 5 साल से उसी पे काम चल रहा है, शो करते हैं अभी भी इधर उधर, बट सिखाने पे ज़्यादा फोकस है, तो करीबन ऑलरेडी 20,000 लोगों को सिखाया जा चुका है। क्रिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनर ना भावना गोरे जणाव्युं हतुं के तेमना इंस्टीट्यूट ना स्टूडेंट ने कंईक नवुं शीखववा माटे अनुज शर्मा ने इनवाइट करवामां आव्या छे, अने सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज छे जेथी सूरत शहેરમાં फेशन डिजाइनर ना स्टूडेंटोने सारी एवी तक मळी शके छे, अने हालमां स्टूडेंटो कंईक नवुं अने क्रिएटिव शीखशे तो आगळ जता सूरतने एक बेहतर फेशन डिजाइनर मळी शकशे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।